समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने वाले महादेव के बारे में कहा जाता है वो संसार के तमाम संकटों और मुसीबतों का विषपान कर अपने भक्तों को इससे निजात दिलाते हैं। और इस वक्त दुनिया के नक्शे पर स्थित यूक्रेन बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन भी त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए महादेव की शरण में पहुंच गया। दुनिया के ताकतवर देशों में से एक रूस लगातार यूक्रेन पर अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है और इन दोनों के बीच छिड़े युद्ध में न जाने कितनी जान जा चुकी है। मगर इसके बावजूद रूस है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो वही यूक्रेन भले ही कमजोर है लेकिन वो भी अपनी पूरी ताकत से युद्ध तो लड़ ही रहा है। साथ ही तमाम देशों के साथ ही भोलेनाथ से भी युद्ध के खात्मे के लिए गुहार लगा रहा है। जब मंगलवार के दिन महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर तमाम शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा पाठ कर रहे थे तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने भी महादेव से अपने देश में युद्ध खत्म करने की प्रार्थना की और लोगों से भी ये अपील करते हुए कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज महाशिवरात्रि है और आप लोगों के अंदर कई शिव हैं। प्लीज भगवान शिव से प्रार्थना करें कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। टुडे इफ आई डोंट फॉरगेट इट्स महाशिवरात्रि। वेल देयर आर शिवा इट्स अमंग यू अ लॉट ऑफ शिवा इट्स। प्लीज प्रे शिवा गॉड आल्सो टू फिनिश दिस वॉर एज़ सून एज़ पॉसिबल। Please pray. Thank you. Today, if I don't forget, it's Mahashivratri. Well, there are Shivaites among you, a lot of Shivaites. Please pray Shiva God also to finish this war as soon as possible. Please pray. Thank you. इगोर पोलिखा ने महादेव से युद्ध खात्मे के लिए प्रार्थना की तो सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। पत्रकार माधुरी कलाल ने लिखा, ये भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा है जिनका मानना है अब रूस हमले से सिर्फ शिव ही बचा सकते हैं। शिवरात्रि पर आप लोग भी यूक्रेन के लिए प्रार्थना कीजिए। ये बात भारत में किसी नेता ने कह दी होती तो सनातन से चिढ़ने वालों को इस देश में डर लगने लगता। यही है सनातन की ताकत। आईएएस अफसर अवनीश सरन ने भी लिखा, भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने शिवरात्रि पर सभी से यूक्रेन के लिए प्रार्थना करने की अपील की। आपको बता दें, एक तरफ जहां भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा महादेव से अपने देश में छिड़े युद्ध के खात्मे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ ही दिनों पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या के साधु संतों ने भी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य ने कहा, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। यह थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति पैदा हो गई है। अगर कहीं तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं से पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। इसलिए आज वैदिक प्रयोग के माध्यम से वेद की ऋचाओं के द्वारा हवन करके और भगवान से प्रार्थना की गई है कि सबको सद्बुद्धि आए, आपस में लोगों का सौहार्द और प्रेम बढ़े, एक दूसरे के जो विनाश के लिए लोग तुले हुए हैं ये आपसी भाईचारे की ओर अब कदम बढ़ाए। क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व का नुकसान होगा, तमाम इसमें जो है जाने जाएगी, तमाम बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और आर्थिक क्षति भी कई देशों की होगी। इसलिए ये भारत ऋषि मनीषियों का देश है, साधु संतों का देश है। हम लोग हमेशा विश्व कल्याण के लिए वेद पुराण में जो बताया गया है उसके अनुसार यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते रहते हैं। आज जो है यज्ञ के माध्यम से, विश्व कल्याण महायज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने आज ईश्वर से प्रार्थना किया है कि तृतीय विश्व युद्ध रुके और पूरे विश्व का कल्याण हो।
आपको बता दें, महाशिवरात्रि के खास मौके पर महादेव से अपने देश में छिड़े युद्ध की कामना करने वाले इगोर पोलिखा ने इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी सबसे शक्तिशाली सम्मानित विश्व नेताओं में से एक है। रूस के साथ आपके एक विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक संबंध है। अगर मोदी जी पुतिन से बात करते हैं तो हमें उम्मीद है कि वो जवाब देंगे। मोदी जी इस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यू नो दैट यू हैव स्पेशल प्रिविलेज strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. It's the most. भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा की इस अपील का जल्द ही असर भी देखने को मिला, जब खुद पीएम मोदी ने फोन मिलाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन मसले पर बात की और जल्द युद्ध समाप्त करने की अपील भी की, जिसके कुछ ही दिनों बाद रूस ने यूक्रेन को बातचीत का ऑफर भी दिया और दोनों के बीच बेलारूस में बात भी हुई। लेकिन बातचीत के टेबल पर आने के बावजूद यूक्रेन में युद्ध थमेगा या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक के बाद यूक्रेन ने कहा कि रूस के साथ बातचीत कुछ फैसलों तक पहुंची, जल्द दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल परामर्श के लिए मॉस्को और कीव लौटेंगे। बताया जा रहा है कि ये वार्ता पोलिश बेलारूस के बॉर्डर पर होगी। बहरहाल इस युद्ध के हालात के बीच जिस तरह से यूक्रेन और रूस बातचीत के टेबल पर आए हैं, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच जल्द युद्ध थमेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूक्रेन में छिड़े युद्ध पर कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने एक रैली में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, बीते दो साल से दुनिया में जो स्थिति बनी है उससे आप सभी परिचित हैं। कोरोना की भयंकर महामारी पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को 100 साल में कभी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी
अभी भी वहां है उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। पत्रकार बंधु, आप हमारी मदद कीजिए भैया, आप आराम से, शाबाश। हाँ, और हाँ, ले लीजिए ले लीजिए। अरे उनको उनको वीडियो लेनी है, ले लीजिए भैया, शाबाश, वाह। आपका काम हो जाने के बाद अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा, तो आप थोड़ा नीचे उतर जाइए कृपा करके, ताकि पीछे किसी को तकलीफ ना हो। बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, कुछ पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मदद करते हैं जी। साथियों, हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा, और ये काम गौर परिवारवादी, गौर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे।